वेलकम बैक फ्रेंड्स करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों बेसिकली आज हम बो के बारे में बात करेंगे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर आप रूट वर्ड के अकॉर्डिंग बो को बनाइए फाइन तो फ्रेंड्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अपडेट आप तक पहुंच सके फाइन तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे बो ठीक है तो ये बो वीडियो का पार्ट वन है एंड फ्रेंड्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट वर्ड्स आज जो भी हम वीडियोस बनाएंगे उसमें हम रूट बर्ड के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली सिमिलर काइंड ऑफ जो वर्ड्स हैं उस सीरीज के सारे वर्ड्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे अप्रॉक्स फ्रेंड्स हम अच्छे अच्छे पार्ट के हिसाब से 500 हंड्रेड इंपॉर्टेंट बुक एप्स जो आपके एस एस सी के एग्जाम्स में आ सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और डेली यूजेज में भी वो आते हैं फाइन सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दिस वीडियो इस वीडियो को लाइक like करना ना भूलें एंड फ्रेंड्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स अबाउट द वीडियो सेक्शन फाइन इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपने सुझाव इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें एंड फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके फाइन सो टूडेज रूट वर्ड इज मैनिया फाइन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द टोटल वर्ड्स आर हेयर इन मीनिया

मेनिया का मतलब बेसिकली होता है धुन या पागलपन ठीक है बेसिकली दिस इज अ मेंटल इलनेस इन विच अ पर्सन बिकम्स वेरी इमोशनल और एक्साइटेड फाइन और वी कैन आल्सो से एक्सट्रीम एंथूजियाज्म ओके तो जैसे कि एक मेंटल इलनेस काइंड ऑफ इसको हम कह सकते हैं कि, कि किसी के लिए धुन सवार हो जाना सपोज करिए कोई किसी के लिए म्यूजिक की धुन सवार हो जाती है कि वो गाने ही दिन भर बजाता रहेगा दिस इज जस्ट लाइक अ मेंटल इलनेस इन व्हिच द पर्सन बिकम्स इमोशनल और एक्साइटेड फाइन तो मेनिया का बेसिकली मतलब यही होता है ओके okay. तो मैं यहाँ पर कंप्लीट वर्ड के बारे में भी आपको लिख दे रहा हूं मेंटल इलनेस आप लोग हमारे साथ में इसको लिख भी सकते हैं ठीक है मेंटल इलनेस इन विच अ पर्सन बिकम्स वेरी इमोशनल और एक्साइटेड इमोशनल और एक्साइटेड फाइन तो आपको समझ में आ गया ना कि मीनिया का मतलब दुनिया पागलपन होता है ठीक है इसको हम एक बर्ड में फ्रेंड्स और कह सकते हैं एक्सट्रीम एंथोजियाजम ठीक है मतलब किसी के अंदर बहुत सारा मतलब एक एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी की मुझे ये काम करना ही करना है और वो जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो पूरे दिन कोडिंग करना है दिस इज जस्ट लाइक अ मेनिया फाइन तो हम इसको क्या कह सकते हैं एक्सट्रीम ठीक है फॉर समथिंग दैट इज यूजली है आपने एक बर्ड सुना होगा एंटायर जैसे कि सपोज करिए फुटबॉल में जब फीफा का वर्ल्ड कप आता है ठीक है फुटबॉल में जब हम फीफा की बात करते हैं तो ब्राजील में अगर फीफा होने वाला है तो उसके लिए हम एक बर्ड यूज करेंगे द एंटायर सिटी हैज बीन ग्रिप्ड बाय द फुटबॉल मेनिया ठीक है इसको हम बोल सकते हैं ना क्योंकि पूरा का पूरा शहर क्या है फुटबॉल के रंग में रंग गया है पूरी तरीके से तो हम इसको यहाँ पर क्या यूज करेंगे मेनिया का ठीक है अब आइए हम बात करते हैं इन मेनिया से कितने वर्ड को हम डिराइव कर सकते हैं फाइन सो फर्स्ट वर्ड इज हेयर फ्रेंड्स एब्लूटो मेनिया ठीक है एब्लूटोमेनिया इसका बेसिकली मतलब होता है कि धोने या नहाने का पागलपन होना एक तरीके का एक्सट्रीम एंथोजियाज फाइन सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द हिंदी मीनिंग धोने या नहाने का पागलपन एक तरीके से हम इसको क्यूरियोसिटी भी कह सकते हैं ठीक है तो आपने ऑल ये थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी ठीक है तो थ्री इडियट्स मूवी में क्या था सारे के सारे लोग ऑल इज वेल का जब सॉन्ग करते हैं तो एक उनके अंदर एक पागलपन आ जाता है कि वो सारे लोग घूम घूम के फील्ड ग्राउंड में पानी के बॉटल वगैरह से सबसे नहाते हैं ठीक है तो ये भी एक तरीका क्या है इसको हम क्या कहेंगे एबिलिटू मैनिया ठीक है तो फ्रेंड्स जैसे इसको हम इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो हम कहेंगे मैनिया फॉर वॉशिंग ठीक है फॉर वॉशिंग एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये वर्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। इसका यूजेस हम बता सकते हैं जैसे कि ही सफरिंग फ्रॉम एब्ल्यूटोमेनिया ठीक है नाउ लेट्स मूव फॉर द सेकेंड वर्ड हेयर दैट इज एग्रोमेनिया फाइन एग्रोमेनिया का मतलब होता है कि एकांत प्रियता इसको हिंदी में कहते हैं जैसे कि एक अकेलापन अगर कोई पर्सन बिल्कुल अकेले रहना चाहे तो हम उसको एग्रोमेनिया से कहेंगे कि ये एग्रोमिनिया से पीड़ित है ये पर्सन फाइन सो द मीनिंग ऑफ एग्रोमिनिया दैट इज एकांत प्रीता ओके तो हिंदी में हम इसको जैसे एलन कहते हैं कि कोई अकेलापन महसूस कर रहा है तो उसको हम एग्रोमिनिया से रिलेट कर सकते हैं ठीक है तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एन इंटेंस डिजायर टू बी अलोन और टू बी इन ओपन स्पेस फाइन तो हम इसको लिखेंगे टू बी इन ओपन स्पेस और एन इंटेंस डिजायर टू बी ए लोन इसका बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल अभी मैं बताऊं तो क्या हुआ था 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे तो उसमें कांग्रेस पार्टी लोकसभा इलेक्शंस में हार गई थी फाइन तो क्या हुआ राहुल राहुल गांधी बैंकॉक में एकांत में गए ठीक है तो उसको हम कह सकते हैं एग्रोमिनिया से रिलेट कर सकते हैं उस वर्ड को ठीक है तो बेसिकली मतलब क्या होता है एकांत प्रीता कोई अगर अकेलापन रहना चाहे तो उसको हम एग्रोमिनिया से पीड़ित ही बताएंगे फाइन नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वर्ड हियर निमफोमेनिया फाइन देखिए फ्रेंड्स निम्फोमेनिया का बेसिकली एक मतलब ये होता है कि आपने एक हिंदी का वर्ड सुना होगा ठरकी ठीक है निम्फोमेनिया का मतलब होता है बेसिकली सेक्सुअल डिजायर और एबनॉर्मली इंटेंस सेक्सुअल डिजायर इन वुमेन फाइन तो हम इसको यहां पर लिख सकते हैं सेक्सुअल डिजायर दैट इज कंसीडर्ड एज निम्फोमेनिया ठीक है ये भी एक तरीके का क्या होता है पागलपन होता है Fine. तो ये सारे मेनिया से रिलेट कर रहे हैं मेनिया क्या है इनके एन में लगा हुआ है और उससे पहले जो वर्ड आ रहे हैं इनका कुछ ना कुछ मतलब उस पूरी सीरीज से है इसलिए मैं सारे वर्ड को आपको यहां पर डिक्टो पहले बताऊंगा ओके तो जैसे आपने एक सुना होगा कि एक बर्ड होगा सी इज मैनिक ठीक है इसको हम कह सकते हैं एबनॉर्मली इंटेंस सेक्सुअल डिजायर इन बुमेन ठीक है मैं यहां पर लिख दे रहा हूं डिजायर इन बुमेन तो फ्रेंड्स आप देखिए इस तरीके के वर्ड आपको न्यूज़पेपर में या मैगजींस में आपको मिलते रहेंगे ठीक है तो अगर मिलते हैं तो आप यहाँ से इनका वर्ड आसानी से समझ सकते हैं फाइन नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वर्ड हेयर दैट इज एंग्लो मैनिया फाइन एंग्लो मैनिया का मतलब हम हिंदी में इसको कहते हैं कि अंग्रेज परस्ती मतलब कि अगर आपको अंग्रेजी आचरण या अंग्रेजी व्यवहार की आपको बहुत ज़्यादा प्रशंसा करनी पड़ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे एंग्लो मैनिया ठीक है तो ये एक लड़की है जिसने क्या करा है ब्रिटिशर्स की ड्रेस को जस्ट कॉपी कर रखा है उसको पहन रखा है तो ये जो इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं कि अंग्रेजी आचरण और उसका जो एक बिहेवियर है उसकी ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रशंसक है दैट्स इसने ये ड्रेस पहन ली है ओके okay. तो हम इसको कह सकते हैं एन एग्जेसिव एंथोज फॉर ऑल द इंग्लिश थिंग्स ठीक है तो जो भी अंग्रेज परस्ती की अगर हम बात करते हैं तो इसको एंग्लोमीनिया को हिंदी में हम कहते हैं अंग्रेज परस्ती ठीक है एक ये वर्ड भी हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी आचरण तथा व्यवहार की अति प्रशंसा करना अंग्रेजी व्यवहार की अति प्रशंसा करना फाइन और इसको हम इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो हम कहेंगे एन एक्स्यूसिव

होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा फ्लावर के कलेक्शन को अपने घर में रखना चाहते हैं तो आपको हम यही कहेंगे कि एक तरीके का ये भी एक पागलपन होता है जिसको हम कहते हैं एंथोमिनिया फाइन मतलब कि फूलों को इकट्ठा करने का एक शौक फूलों को संग्रह करने का शौक ठीक है अब फ्लावर लवर्स भी हम इसको कह सकते हैं और हिंदी में हम इसको कहेंगे फूल संग्रह करने का शौक क्स्ट okay. बात करते हैं फ्रेंड्स एरिथमो मेनिया ठीक है तो देखिये यहां पर स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ एरिथमो मेनिया उसके बाद में यह मेनिया है बर्ड तो इस पिक्चर के थ्रू में आपको दिखाना चाहूंगा कि ये तीन लोग हैं इनकी क्यूरसिटी इतनी ज्यादा है कि ये सारी चीजों को गिनना चाहते हैं कभी कभी ये तारों को गिनना स्टार्ट करते हैं कभी किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो वहां पर सीढ़ियों को गिनना स्टार्ट करते हैं कभी ये ट्रेवलिंग करते हैं तो ट्रेन में जो खिड़की से पेड़ पौधे दिखाई देते हैं उनको भी गिनना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो हम इसको कह सकते हैं कि एन क्यूरस एन ऑब्सेसिव और अ असिटी डिजायर टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स ठीक है तो हम इसको क्या लिखेंगे क्यूरो डिजायर टू काउंट द ऑब्जेक्ट जस्ट फ्रेंड्स लेट मी ड्रॉ द स्पेलिंग अगेन सी यू आर आई ओ एस आई टी वाई फाइन क्यूरसिटी तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं कि किसी भी चीज को गिरना स्टार्ट कर देना ठीक है नंबर्स कैलकुलेशन की टर्म्स में चीज़ें बताने लगना अब सपोज करिए कि, कि किसी आप शादी में गए तो आपने एक साथ अंदाजा लगा दिया कि यहाँ तो 300 लोग हैं तो इसको हम क्या कहेंगे अरिथमो मैनिया ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स नंबर सेवन वर्ड की बिब्लियो मैनिया बिब्लियो मैनिया का बेसिकली मतलब होता है कि बुक्स लबर ओके मतलब कि पुस्तकों से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाना या पढ़ने के लिए आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या क्यूरियस हो जाना ठीक है तो हम इसको कहेंगे पुस्तकों को प्यार करने वाला इसको हम कहेंगे और रीडर लविंग बुक और रीडिंग लवर फाइन तो इसको हम कहेंगे पुस्तकों से प्यार करने वाला बिब्लियो मेनिया ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स नंबर एट की नंबर एट है कैटीपीडा मेनिया ठीक है तो कैटीपीडा मेनिया को बेसिकली हम कहते हैं कि जंपिंग फ्रॉम द हाई प्लेसेस जब कोई भी किसी को बहुत ज्यादा शौक होता है पागलपन होता है कि मुझे सबसे ऊंचाई से कूदना है ठीक है तो ये भी एक तरीके का मेनिया होता है जंपिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस जंपिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस फाइन मतलब जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग से कूद जाना या फिर आपने कुछ ऐसे झूले देखे होंगे जिनमें पैरों में रस्सी बांध दी जाती है और बहुत ऊंचाई से नीचे कूदा जाता है तो वो भी एक तरीके का एक शौक होता है एक एंथोजियाजम होता है एक एक्सट्रीम लविंग होता है ठीक है तो उसको हम क्या कहते हैं जंपिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस बहुत ऊंची ऊंची इमारतों बिल्डिंग झूलों से कूदना दैट इज कॉल्ड द कैटीपिडा मेनिया फाइन नाउ लेट्स सी नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए जो नंबर कूदनाइन है इसमें आप समझ सकते हैं कोरियो ठीक है तो मेनिया एक तरीके का शौक है और आपने सुना होगा कोरियोग्राफर ठीक है फराह खान जो है वो कोरियोग्राफर है जो लोग डांस सिखाते हैं उनको हम कोरियो से संबोधित करते हैं ठीक है तो कोरियो वर्ड का मतलब बेसिकली होता है अ पैसन फॉर डांसिंग अ मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज अ पैसन फॉर डांसिंग तो इस इमेज में आपको दिख रहा है कि इस लड़के को क्या है डांसिंग का बहुत ज्यादा शौक है तो हम इसको कहेंगे अ पैसन फॉर डांसिंग ठीक है और आपने सुना होगा कि जो कोरियो वर्ड होता है इसका मतलब ही बेसिकली क्या होता है डांस होता है ठीक है नाउ सी द नंबर 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 फ्रेंड्स की की बात की जाए तो 10 है क्लिनोमेनिया ठीक है क्लिनोमेनिया एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड जो बहुत लेजी पीपल होते हैं उनको ठंड में ऑफिस जाने का बहुत ज्यादा रंग नहीं चढ़ता है वो कहते हैं कि ठंड बहुत हो रही है बाहर कोहरा पड़ रहा है या बच्चे छोटे कहते हैं कि आज मम्मी बाहर बहुत ज्यादा ठंड है आज हम स्कूल नहीं जाएंगे आज हम रजाई में ही अंदर पैक रहेंगे ठीक है तो इस वर्ड को हम एक ये भी एक तरीके का है कि एंथुजियाज्म होता है ठीक है तो इसको हम कहते हैं क्लिनोमेनिया तो हम इसको फ्रेंड्स कहना चाहेंगे एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड ये आप और हम सब लोग करते हैं इस तरीके की इच्छाएं

तो ये आपके कॉमन यूज वर्ड हैं जो आपके एस में एक नंबर से ज़रूर मिलेंगे आपको अगर आपको इनके मीनिंग पता है तो आप ऑप्शन से लेकर इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको वीडियो बहुत पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके अपने सजेशन जरूर दें लेकिन फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करना जरूर शेयर करें

five part of many awards fine so post your comments and suggestions in the comment box thank you friends have a nice day